छत पर है क्या? वेल फॉरगेट जीजा जी, अब तो बात होगी तो सिर्फ जीजी की, यानी कि संजना की। वैसे जानते हैं ना कि संजना की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि संजना की हो गई है सगाई छटंकी मामा से। हाय बेचारी जीजी, अब क्या करेगी? छटंकी बन गए हैं संजू बेबी, यानी कि इलायची की जिज्जी के दीवाने। कभी भी किसी भी वक्त संजना के कमरे में वो पहुंच जाते हैं। संजना यानी कि जीजा जी डंबल्स लेकर कसरत कर रहे थे और वहां छटंकी पहुंच गया। अपनी पोल ना खुल जाए इसलिए संजू बेबी ने क्या ड्रामा किया। और फिर बैठ गई पलंग पर, तो छटंकी भी बैठ गया उसके पास, क्योंकि अब तो हक बनता है सगाई जो हो गई है जीजा जी यानी कि जीजी और छटंकी की। हम लोगों ने एक झूठ के पीछे एक और झूठ, और ऐसे बोलते बोलते हम लोगों ने इतने झूठ बोल दिए हैं कि अभी संजना की जो है हम लोगों ने एंगेजमेंट और वेडिंग टाइप करवा दिया है हमने छटंकी से, ताकि वो यहाँ पे रह पाए, क्योंकि अगर वो रिश्तेदार है तो वो रह सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये आइडिया निकाला और फिलहाल इसकी शुरुआत है, तो लेट्स सी ये कितनी देर तक काम करता है। छटंकी अपनी मंगेतर के लिए तोहफा लाए हैं, कान की नई बालियां लाए हैं। ना चाहते हुए भी संजू बेबी को वो लेनी पड़ रही हैं, नखरे दिखाने पड़ रहे हैं। वैसे सगाई से पहले भी काफी नखरे हुए थे, काफी ड्रामा हुआ था, सुसाइड का ड्रामा कर रहे थे, मगर आखिर वही हुआ जो छटंकी की इच्छा थी। अब ये सगाई तक का ड्रामा रहेगा तो ठीक है, मगर अगर शादी की बात आई तो जीजी की हालत जरूर बिगड़ेगी, ये तय है। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे हमारी टीवी की चुड़ैले डाई ने भूत प्रेत जो है ना, वो किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। जी हाँ, चाहे उनका ग्लैमरस अवतार हो या फिर झूम कर नाचना हो। बहरहाल फिलहाल अगले इस कहानी में आपको कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं नजर आएगा, लेकिन नाचते हुए लोग जरूर नजर आएंगे, क्योंकि हमारी रोनाक्षी, मेरा मतलब है डॉक्टर रोहित और सोनाक्षी के संगीत में, अब बारी है सिप्पी परिवार के जलवे की। शुरू हो गया है डॉक्टर रोहित और सोनाक्षी का संगीत, और जरा देखिए अपनी ही होने वाली शादी के संगीत में डॉक्टर रोहित खुराना किस तरह नाच रहे हैं। ये तो सबको पता चल ही गया है कि इस संगीत की शाम का थीम क्या है। मलाबार हील वाले पैपी गानों पर डांस कर रहे हैं, लेकिन गोरेगांव वाले क्या कर रहे हैं ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए कि रोहित के घर वाले किस तरह से सोनाक्षी और रोहित का ही ड्रामा अपने गाने में जता रहे हैं।
ललित और सोनाक्षी के संगीत की ये पहली झलक है। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। वैसे आपको बता दें कि जैसे हर सीरियल की शादी में ट्विस्ट आता है, वैसे यहाँ भी आने वाला है। लेकिन फिलहाल तो हर कोई इस संगीत की शाम में डूबा हुआ है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पड़ेगा छोटे पर्दे में जो चुड़ैले होती है ना, वो डरावनी कम ग्लैमरस ज्यादा होती है। जलवा कुछ ऐसा कि इनके सामने छोटे पर्दे की हीरोइंस भी फीकी पड़ जाती है। तो चलिए एक ऐसी डायन से आज आपको फिर से मिलवा देते हैं, क्योंकि हमारी जो मनमोहिनी है वो आ गई है लौट कर अपने असली रूप में, करने सिया और राम की कहानी का दी एंड। तलवारें घुमाती हुई, लोगों को मारती काटती हुई आ पहुंची है मन मोहिनी लोगों का अंत करने, सिया और राम की जान लेने। सिया और राम ने भी खूब टक्कर दी है मोहिनी को और उसकी जादुई ताकत को। अपने बच्चे को बचाने के लिए और साथ में अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया। मोहिनी ने भी आखिरी बार कर ही दिया और इस आखिरी बार के साथ हो गई समाप्त सिया राम की ये कहानी। एक टेम्पररी जीत बुराई की हुई है, क्योंकि राम और सिया की लेगेसी अभी मन कंटिन्यू करने वाला है। उसको तो अभी से ही प्यार हो गया है, वो बिल्कुल राम और सिया पे गया है, बहुत प्यार करता है। तो अभी उसके भी एक गर्लफ्रेंड बन गई है मानसी, जो आगे जाकर उनका लव ट्रैक होगा। और तो राम और सिया का जो प्यार है वो मन आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाला है। राम और सिया ने पूरी कोशिश की, राम तो 500 साल से कोशिश कर रहा है मोहिनी से बचने का, अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसी तरह से राम और सिया भी कहीं ना कहीं डिफीटेड हो गए, लेकिन अपना जो प्यार है उन्होंने भेज दिया आगे मन के थ्रू। आई मिस दिस कैरेक्टर, शी इज़ अ वेरी ब्रेव वुमन। और इस कैरेक्टर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत ही लर्निंग जर्नी रही है मेरी। एंड सहेली शो का हमें पता नहीं, वो उन्हें पता होगा। एंड ऑल द बेस्ट टू देम। एंड हमारा आई थिंक विद एवरी एंडिंग इट कम्स अ बिगनिंग, एंड वी ऑल लाइक वी थ्री ऑफ अस हैव गिवन आवर बेस्ट टू द शो। एंड आई विश ऑल ऑफ अस ऑल द बेस्ट। राम सिया की कहानी समाप्त हुई, मगर राम सिया का बेटा शायद इस कहानी को आगे बढ़ाए। मगर उस कहानी में ना होंगे राम, ना होगी सिया और ना ही दिखेगी मन मोहिनी। शायद इसीलिए ये तीनों अपने किरदारों को और अपने किरदार के गुणों को मिस करने की बात कर रहे हैं। या ऑफ कोर्स, बट एज सिया आई विल रियली मिस हर इमोशनल पार्ट, बिकॉज़ गरिमा इज नॉट इमोशनल, बट सिया ने उसे सिखाया हाउ टू बी इमोशनल। मैं तो प्यार मिस करने वाला हूँ, मुझे शो में बहुत प्यार मिला, मोहिनी से लेकर सिया तक, चकुआ तक, मकड़ी रानी तक, मुझे तो बहुत प्यार मिला यहाँ पर। एक चकुआ, यस, और एक बहुत ही रबर वाली आंटी आई थी बूढ़ी, उनको भी प्यार किया था। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू, तो मैं तो वो बहुत मिस करने वाला हूँ। मन मोहिनी सीरियल का ये अंत है या फिर एक नई शुरुआत, ये कहना मुश्किल है। मगर हाँ, मन मोहिनी को भूल पाना भी उनके चाहने वालों के लिए उतना ही मुश्किल होगा। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे सीरियल
मुस्कान में अब हर कोई मुस्कुरा रहा है, भाई क्यों ना हो, आखिरकार मौका ही खुशी का है, क्योंकि मुस्कान की हो रही है गोद भराई। मुस्कान की हो रही है गोद भराई, निभाई जा रही हैं गोद भराई की रस्में, और इस मौके पर रौनक देखो कैसे नाच रहा है, ढोल की थाप पर थिरक रहा है, क्योंकि उसके लिए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खुशी वाला दिन है। वो दिन आया है कि घर में बहुत खुशी आई है बहुत समय के बाद, और रौनक के लिए ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वो फाइनली जो है वो पापा होने का जो एहसास है वो उसे हिट हुआ है, और अचानक वो लग अब उसे लग रहा है कि बस कुछ ही पलों में वो पापा बन जाएगा और एक नए सिरे से एक नए सफ़र की शुरुआत होगी, नए जीवन की शुरुआत होगी, एक नया संसार बसाएगा मुस्कान के साथ, बच्चों के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा एक परिवर्तन आएगा उसके जीवन में, तो बहुत खुश है। वैसे तो गोद भराई पर होने वाली माँ को साड़ी या फिर घाघरा चोली पहनाई जाती है, मगर मुस्कान को एक बड़ा सा ट्रेडिशनल ड्रेस दिया गया है, ये कुछ नया है। हाँ, आई थिंक इसके ऊपर जो रस्म होती है जिसमें दुपट्टा चुन्नी ओढ़ाते हैं दुल्हन को, वो तो खैर होगा ही होगा, पर बहुत ही लाइट और सिंपल है। आई थिंक कंफर्ट लेवल वाइज भी अगर हम देखें तो नाइस कलर्स और पेस्टल्स एंड अ मिक्स ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ ब्राइट टिंच, तो ओवरऑल सिंपल है लुक, पर प्यारा है। सीरियलों में खुशी के साथ साथ गम भी दौड़ा चलाता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मुस्कान को पता चला है कि वो एक नहीं दो बच्चों की माँ बनने वाली है, यानी कि उसकी कोख में ट्विंस हैं। मुस्कान खुश भी है और थोड़ी चिंतित भी। यस, ये है सिचुएशन। रौनक और मुस्कान की जिंदगी में खुशियाँ भी आती है तो साथ साथ प्रॉब्लम्स लेकर ही आती है। मुस्कान को अब तक पता भी नहीं था कि उसके पेट में उसकी कोख में दो बच्चे हैं, वो उसको आज ही पता चला है। अभी फिलहाल उसकी गोद भरा की जो रस्म है उसके कुछ ही मिनट पहले उसको ये बात पता चली है। रौनक को नहीं पता कि जुड़वा बच्चे हैं, और उसे तो लगा था कि एक बच्ची है, तो जब पहली बार उसने बच्ची को पकड़ा तो जब पता लगा कि वो बाप बनने वाला है तो बहुत रोया, वो बहुत खुश हुआ, और फिर जब बच्ची को हाथ में लिया तो वो डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत ही कहते हैं ना आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है, उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसे बयां करना मुश्किल था, लेकिन उसे इतना पता कि उसकी बच्ची है बस, मतलब मुस्कान और रौनक की बच्ची है। अब एक और जो है ट्विन है, ये उसको बिल्कुल भी उसको आइडिया नहीं है। तो कहानी में ट्विस्ट तो आएगा ही, मगर खबर तो ये भी है कि मुस्कान दो बेटियों को जन्म देगी, फिर कहानी में लीप आएगा, रौनक मुस्कान जुदा हो जाएंगे, एक बेटी रौनक के पास और एक मुस्कान के पास रहेगी, और फिर ये बच्चियां अपने माता पिता को फिर मिलाएंगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माने एक चुड़ैल हर किसी के अंदर छिपी बैठी है, जरूरत है तो बस उसको खींच कर बाहर निकालने की, और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल नजर में, जहां इस तिलस्मी शीशे के चलते हुए हर किसी के अंदर का जो भूत प्रेत डायन है वो खींच कर सामने चला आ रहा है। हाँ,
क्या कभी डायन कांच देखा है आपने, या फिर डायन मिरर? नहीं ना, मगर सीरियल नजर में ऐसा मिरर आ चुका है और इस मिरर से निकले हुए इंसानों के डायन रूप भी आ गए हैं। और ये बात शायद डावंश यानी कि अंश को पता चल गई है, तभी वो अपने घर वालों को घर से चले जाने के लिए समझा रहा है, बच्चों को बिना कांच वाले कमरे में जाने के लिए कह रहा है। परी को दीवार के बाहर ले जाओ और याद रखना घर के किसी भी शीशे के सामने मत जाना। तो चाचा चाची को और अपनी माँ को घर से निकल जाने की सलाह दे रहा है अंश। माँ, माँ, हमें अभी और इस वक्त इस घर से बाहर जाना, चले मेरे साथ। घर से बाहर जाना होगा, लेकिन क्यों अंश, लाओ क्या? माँ, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अब चलिए मेरे साथ। लेकिन घर पर सब ठीक है ना, तो क्या हो गया? माँ, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, मैं भी आप बच्चों को लेकर आता हूँ। पापा का? तेरे पापा तो बाहर गए किसी काम से। कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। अब चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। मगर अचानक चाचा और चाची दोनों के हाथ से काले नाखून निकल आए हैं और अंश के कंधे पर हाथ रख के इन्होंने कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं जिसे देखकर लगता है कि ये चाचा चाची डायन मिरर के शिकार हो चुके हैं और शायद अंश की माँ भी। बहुत ही स्पेशल व्यक्ति लेकर आए हैं जिसका कौन है वो? वो मैं नहीं जानता, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी औरत है जो इस घर में आई है और वो साथ में डायन शीशा लेकर आई है। जो भी है, उसने चैताली को भी डायन बना दिया। चैताली को तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही कमाल ग्लो आईज लहराती हुई चोटी। भाभी डायन को देख के मुझे बहुत जेलस फील होता था कि वो उड़ के कहाँ से कहाँ चली जाती है, चोटी से कॉफी पी लेती है, थाली पकड़ लेती है, लोगों को नेल्स बढ़ा के डरा सकती है। तो अभी चैताली को भी वो सब करने का मौका मिल रहा है, कोई इसे सीरियस नहीं लेता, अब चैताली से भी लोग डरेंगे। अंश का डर सही साबित हो रहा है, इसीलिए उसने इस डायन मिरर को तोड़ दिया है। मगर सवाल ये है कि अगर कांच टूट गया तो उसके अंदर इंसानों के जो असली रूप थे वो भी टूट गए होंगे, और ये बाहर जो डायन रूप घूम रहे हैं उन्हें कैसे मिटाएंगे? खैर, ऐसे सीरियलों के बारे में अगर ज्यादा सोचते रहेंगे तो शायद हम भी अंश की तरह परेशान हो जाएंगे और उसी की तरह कांच तोड़ते फिरेंगे। तो हमें तो सिर्फ देखना है कि नजर में डायन वाले और कौन कौन से खेल देखने मिलेंगे। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।